हमीरपुर के बड़सर विधानसभा क्षेत्र की टिप्पर पंचायत में जनमंच कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम के दौरान मुख्य सचेतक नरेंद्र बरागटा ने शिरकत की। इस अवसर पर डीसी हमीरपुर हरकेश मीणा, एसपी अर्जित सेन के अलावा जिला भर के अधिकारी मौजूद रहे। जनमंच कार्यक्रम के दौरान दूर दूर से आए हुए ग्रामीणों ने अपनी समस्याओं को रखा, जिसमें अधिकतर समस्याओं का मौके पर ही निपटारा किया गया है। जनमंच के दौरान मुख्य सचेतक नरेंद्र बरागटा ने कहा कि जनमंच के माध्यम से लोगों की समस्याओं का निपटारा हो रहा है और लोगों को मौके पर न्याय मिल रहा है। उन्होंने कहा कि आज भी जनमंच के दौरान लोगों की समस्याओं को त्वरित तौर पर निपटाया गया है। उन्होंने कहा कि इस जनमंच से पूर्व तक प्रदेश भर में 157 जनमंच आयोजित कर 1330 ग्राम पंचायतों के ग्रामीणों को लाभ पहुँचाया गया है। इस अवधि में 46,801 शिकायतें व मांग पत्र प्राप्त हुए हैं, जिनमें से 42,730 का समाधान किया जा चुका है। हमीरपुर जिला में इस दौरान 2,198 शिकायतें एवं मांग पत्र प्राप्त हुए, जिनमें से 2,077 का समाधान किया जा चुका है। उन्होंने इसके लिए अधिकारियों की प्रशंसा करते हुए कहा कि वे लक्ष्य के काफी नजदीक पहुँचे और भविष्य में और बेहतर कार्य करने के लिए प्रयत्नशील रहे। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद हमीरपुर इकाई के द्वारा प्रांत कार्यकारिणी बैठक के आह्वान पर प्रदेश स्तरीय और स्थानीय मांगों के लिए धरना प्रदर्शन किया गया। इसमें प्रमुख मांगे हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय में परीक्षा परिणाम एवं पुनर्मूल्यांकन के परिणामों को समय पर घोषित किया जाए, 2014 में छात्र संघ चुनाव पर प्रतिबंध लगाकर छात्रों के लोकतांत्रिक के अधिकारों का हनन किया जा रहा है, अतः छात्र संघ चुनाव तुरंत बहाल किए जाएं, शिलान्यास का पत्थर रख देने से केंद्रीय विश्वविद्यालय का निर्माण शुरू नहीं होगा। केंद्रीय विश्वविद्यालय के परिसर का निर्माण कार्य जल्द शुरू किया जाए। हिमाचल प्रदेश तकनीकी विश्वविद्यालय हमीरपुर और क्लस्टर विश्वविद्यालय मंडी में शिक्षक एवं गैर शिक्षकों की नियमित भर्तियां की जाएं। कृषि क्षेत्र से जुड़े कृषि विश्वविद्यालय पालमपुर एवं वानिकी एवं बागवानी विश्वविद्यालय नौणी में अत्यधिक फीस को वापस लिए जाए। विद्यार्थी परिषद की इन मांगों को अगर प्रदेश सरकार पूरा नहीं करती है तो विद्यार्थी परिषद अपने आंदोलन को और तेज करेगी। विश्वविद्यालय प्रशासन तथा सरकार की नींद को तोड़ने का कार्य करेगी। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद हमीरपुर इकाई के सचिव हनी शर्मा ने बताया कि आज एबीवीपी कार्यकर्ताओं के द्वारा महाविद्यालय में धरना प्रदर्शन किया गया। उन्होंने कहा कि अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद इकाई पहले भी कई बार प्रेस वार्ता के माध्यम से बता चुकी है कि अगर सरकार हमारी मांगे नहीं मानती है तो ये धरना प्रदर्शन ऐसे ही जारी रहेगा। उन्होंने कहा कि हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय में परीक्षा परिणाम एवं पुनर्मूल्यांकन के परिणाम को समय पर घोषित किया जाए और 2014 में छात्र संघ चुनाव पर प्रतिबंध लगाकर छात्रों के लोकतांत्रिक के अधिकारों का हनन किया जा रहा है, अतः छात्र संघ चुनाव तुरंत बहाल किए जाएं ताकि छात्रों के भविष्य के साथ कोई खिलवाड़ न हो। हिमाचल प्रदेश तकनीकी विश्वविद्यालय हमीरपुर परिसर में एबीवीपी के छात्रों ने प्रदेश सरकार और तकनीकी विश्वविद्यालय प्रशासन के खिलाफ मुर्दाबाद के नारे लगाए गए। मांगों को लेकर हिमाचल प्रदेश तकनीकी विश्वविद्यालय हमीरपुर के अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद द्वारा कुलपति कार्यालय के बाहर धरना प्रदर्शन व सरकार के खिलाफ जोरदार नारेबाजी की गई। इस दौरान एबीवीपी के समस्त कार्यकर्ताओं ने भाग लिया। धरने में हिमाचल प्रदेश तकनीकी विश्वविद्यालय परिसर के बाहर काफी देर तक मांगों को लेकर प्रदर्शन किया गया। छात्रों की मुख्य मांगों में तकनीकी विश्वविद्यालय के कैंपस को स्थायी कैंपस में शिफ्ट नहीं करने पर छात्र ऐतराज जता रहे हैं।
क्योंकि नए कैंपस बनने के बावजूद भी कक्षाएं बाल स्कूल परिसर में ही चल रही हैं। साथ ही विश्वविद्यालय में लाइब्रेरी की कमी होने के साथ साथ अध्यापकों के खाली पदों को भरने की मांग और विश्वविद्यालय के लिए बजट मुहैया करवाया जाए। छात्रों ने प्रदेश सरकार से अतिरिक्त वित्तीय सहायता दी जाए ताकि यहां पर चल रहे सेल्फ फाइनेंसिंग कोर्स के नाम पर ली जा रही भारी फीस के बोझ को कम किया जा सके।